इसकी जगह ये वाली हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे पेन हो सकता है और राइट साइड भी पेन होगा, ठीक है। वार्म अप के लिए पहले खड़े हो जाओ, वापस खड़े हो जाओ। वार्म अप के लिए पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लूज पहले वार्म अप लाइट सा, जोर से नहीं, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता के रिलैक्स हो जाओ 20 times। आप उस तरफ देखोगे और ये वाली इस तरह से जो बताई गई ना, हाथ उठाना है ऊपर, हाँ, कलाई पकड़ लो पहले, एक से पहले कलाई पकड़ो, झुकना नहीं है आपने, अब ऊपर की तरफ उठाओ, ऊपर की तरफ और सामने देखो, सामने गर्दन ठीक रहे, इस तरह आराम से नीचे वापस ले जाओ जहाँ तक होगा ये, फिर से उठाओ ऊपर की तरफ ले आओ, फिर से उठाओ, फिर से नीचे की तरफ ले जाओ, फिर से उठाओ और फिर से नीचे की तरफ आ जाओ, बैठो। ये होगी आपकी 20 times और दिन में 3 बार बैठ जाओ। अब दोनों हाथ इधर प्लेस करो, सामने देखना है, अब दोनों हाथों को बांध दो, जोड़ो आपस में, पास लेके आओ, पहले पास लेके जाओ, हाँ, अब पीछे की तरफ लेके आओ और इतना लेके आओ कि ये दो हड्डी आपस में मिलती हुई आपको महसूस हो। ये भी आपने 20 times करना है, ये हड्डी आपको यहाँ पे मिलती हुई महसूस होनी चाहिए और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। इस दौरान अक्सर ये होता है गर्दन नीचे चली जाती है तो यहाँ पेन स्टार्ट हो सकता है, तो गर्दन सीधी रहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मिलती ही होगी और ये 20 times ये करना। अब सामने इधर बल्कि शीशे के साथ खड़े हो जाओ और वो जो हाथ पे वो करके बताओ, सामने देखो मेरी तरफ, अपने जूते वगैरह पाँव जोड़ लो, पास खड़े हो जाओ और इस तरह से ना हाथ ऊपर हो, ऊपर भी करके दिखाओ, हाथ ऊपर वाले पे, ना हाथ इस तरह ऊपर हो ना नीचे हो, नीचे भी करके दिखाओ कि इस तरह भी हाथ नीचे नहीं रहता है, जहाँ शोल्डर है उस लेवल पे आने चाहिए आपका हाथ, हथेली निकाल के, गलत कहाँ पे होते हाथ ऐसे नहीं रखना, ये गलत है, हाथ ऐसे रखना और फिर उसके बाद गर्दन को दूसरी साइड पे लेके स्मूथली और ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग महसूस हो, फिर लूज करना चाहते हो लूज कर लो, वरना इस तरह से अलग से भी 20 times ये करनी और दोनों साइड की करनी, ठीक है। उसके बाद आओ लेटो, आओ लेटो, और यहाँ से आपने दोनों हाथ रखने हैं और जिस तरह आप पुशअप्स करते हैं उतना लेके जाना, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, ले जाओ कोबरा स्टिच करने, गर्दन पीछे, रुक जाओ, ऊपर ऊपर होल्ड करना, ऐसे नहीं लेके जाना, पीछे गर्दन पीछे, यहाँ से भी स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, ये पूरा कवर, फिर आराम से नीचे, फिर से फिर नीचे जाओ। अगर इनकेस इतना नहीं हो रहा तो यहाँ से एल्बोज नीचे रखो, अब ऊपर लेके जाओ, गर्दन पीछे इतना भी किया जा सकता है, अगर वो नहीं हो रहा स्टार्ट ऐसे भी लिया जा सकता है। उसके बाद अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो दोनों हाथ यहाँ रखने हैं और यहाँ से गर्दन ऊपर उठानी है, दोनों हाथ और गर्दन ऊपर, इजी हो गया, होल्ड करो, ऐसे नहीं छोड़ना, 5 seconds होल्ड करना, ऊपर ले रहा, होल्ड करो, अब नीचे जाओ, हर चीज़ स्मूथली करनी है, ग्रेजुअली करनी है, जोर कहीं देना, जर्क करनी है, 20 times ये। तो अभी स्टार्टिंग के लिए कम से कम 2 से 3 इसमें से स्टार्ट करें, डेली एक ऐड करें, 20 repetitions रखें और आहिस्ता आहिस्ता repetition भी इंक्रीज होंगी और दिन में 3 बार आ जाओ, उठाओ,